तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज का वीडियो है आहूजा के 650 वाट 15 इंच के मिड बेस स्पीकर का साउंड टेस्टिंग का। इस वाले स्पीकर को एक कैबिनेट में हमने फिट किया है, जिसका साउंड टेस्टिंग अभी आप देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस स्पीकर के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे इसके पावर रेटिंग की बात करें तो 650 वाट का RMS पावर हो जाता है इस स्पीकर का, 8 ओम्स पे काम करेगा। और स्पीकर के पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, 4 इंच का एजोइस कॉइल होता है जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। कहने का मतलब यह है कि 650 वाट इसका RMS पावर है, और अगर आप इसे 800 वाट का भी पावर पर बजाएंगे तो ये कंटिन्यूसली बिना किसी प्रॉब्लम के 24 घंटे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यहीं पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भाई इस वाले स्पीकर का यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। इस स्पीकर की क्वालिटी आपको कैसा लगा, और इसे चलाने के लिए आप कौन से एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, और इसका रिस्पांस आपको कैसा मिलता है। साथ ही साथ ये भी शेयर करें कि इसका प्राइस आपको कितना पड़ा था जब आपने इसे खरीदा था। तो चलिए देखते हैं इस वाले स्पीकर का साउंड टेस्टिंग, छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, हेडफोन का यूज़ ज़रूर करिएगा ताकि आपको क्वालिटी जो है इसका अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसका साउंड टेस्टिंग वीडियो देख लेते हैं। इसमें मैंने HF को एक बार ऑन करके भी दिखाया है, उसके बाद ऑफ करके केवल स्पीकर को भी टेस्ट किया है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये देखा आपने इस वाले स्पीकर का साउंड टेस्टिंग, जो कि काफ़ी तगड़ा बज रहा था। और यहाँ पे मैंने DXA एम्पलीफायर का यूज़ किया है इसे चलाने के लिए। एक चैनल पर एक ही स्पीकर चला है, क्योंकि मेरे पास एक ही स्पीकर था इसका, और कैबिनेट भी इसके हिसाब से नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के डिमांड को देखते हुए इसी कैबिनेट में फिट करके इस स्पीकर को थोड़ा सा आपको चला के दिखाया है। अगर आप इसके लेवल का कैबिनेट यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और भी अच्छा रिस्पॉन्स आपको वहाँ पर सुनने को मिलेगा। जैसा कि मैंने अनुभव किया, इसी स्पीकर में आपको मिड फ्रिक्वेंसी के साथ साथ बेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है।
तो जैसा कि आप इसका यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स में देखें तो इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छा मिड भी हमें सुनने को मिल जाता है इस वाले स्पीकर में। तो दोस्तों, साउंड टेस्टिंग का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करते जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए मेंबर हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार डीजे सिस्टम से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। और स्पीकर के रिकमेंडेशन की बात करें तो आप इसे लाइव प्रोग्राम और डीजे सिस्टम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, बिंदास बहुत ही अच्छे चलेंगे। इस वाले 4 स्पीकर के लिए आप 3500 वाट से लेकर के 4000 वाट के एक पावर एम्पलीफायर के यूज़ कर सकते हैं। पर चैनल 2 स्पीकर आपको चलाना होगा। अगर आप 8 स्पीकर एक ही एम्पलीफायर में चलाना चाहते हैं तो वैसे इतने बड़े स्पीकर को आप 2 ओम्स में मत चलाइए, लेकिन फिर भी चलाना ही चाहते हैं तो आप कोई अच्छा सा 2 ओम्स पे स्टेबल एम्पलीफायर ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इस 4 ओम्स पे ही रन करें। और दोस्तों, यही बात करें हम इस वाले स्पीकर के प्राइस की, तो जैसा कि आप जानते हैं मार्केट में भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और समय के साथ प्राइस जो है बढ़ते रहते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको इस वाले स्पीकर का जो अभी का प्राइस है वो मेंशन कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने में ये स्पीकर मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं समय के साथ प्राइस भी अपडेट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।